मैक्सवेबर इन दिस से अबाउट द फिलोसफी ऑफ मैक्सवेबर पोलिटिकल सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं विद दिस नेम बिकॉज ही इज कंसिडर्ड अ मेजर पार्टनर ऑफ द डिवेलपमेंट ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी वो चंद फिलोसफर्स जिनको फाउंडिंग फादर ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी कहा जाता है उसमें मैक्स वेबर का नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है जैसे मार्क्स का नाम है उसी तरीके से मैक्स वेबर का नाम भी लिया जाता है ख़ास तौर पर मैक्स वेबर की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग हिस इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर और फिर जैसे उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया ये सब उनकी सर्विसेज हैं जिसकी वजह से उनका नाम जो है वो आज भी बहुत ज़्यादा इज्जत से लिया जाता है बिकॉज ही इज़ द पोलिटिकल फिलासफर ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी एंड मिक्स पेबर इज़ नोन एज द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशल साइंसिज एलोंग विद कार्ल मार्क्स एंड कार्लमार्क एंडरक वेबर्स वाइडर रेंजिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस गेव क्रिटिकल डेवलपमेंट एंड इम्पेक्ट ऑन द बर्थ ऑफ न्यू एकेडेमिक डिसप्लेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मैक्स वेबर की जिसकी वजह से ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर वेस्ट ने जो एक्सपीरियंस किया और इनके फिलॉसफीज की प्रैक्टिकल वर्थ से वो मॉडल्स इतने ज़्यादा रेलीवेंट और इम्पॉटेंट हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर भी उन मॉडल्स को अप्लाई करके बहुत सारे मुल्क को ऑप करने की एफर्ट में लगे हुए हैं तो मिक्स वेबर की फिलॉसफीज का जो इम्पॉर्टेंट जो रीज़न या लॉजिकल है वो ये है कि उन्होंने जो अर्ली लाइफ के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस और फिर उनकी लाइफ में जो डेवलपमेंट्स होती रहीं तो उन सब का मिक्सचर है उनकी जो डिफ़रेंट फिलासफीज़ हैं लेकिन ख़ास तौर पर उनका जो मॉडल है जो जिसमें उन्होंने ब्यूरोसी को सेंटर बनाया कि किस तरीके से किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर ब्यूरोसी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और उसकी जो लॉजिक उन्होंने खास तौर पर दी वो अगर हम देखें तो किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी फील्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉटेंट है मिक्स पेपर का ये ख्याल है कि वो लोग जो एजुकेटेड होंगे वो लोग जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे उनकी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर अगर उनकी रिक्रूटमेंट होगी और वो अपनी अपनी जगह पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो डेवलपमेंट आती है उसका कोई और अल्टरनेट मॉडल नहीं होता खास तौर पर वो सोसाइटीज़ जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं अगर वहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि सूटेबल लोग तैयार किए जाएं और फिर उन सूटेबल लोगों से ड्यूटीज ली जाए ताकि माशरा जो है उसके अंदर ऐसी क्लास क्रिएट हो जाए जो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स अपनी एजुकेशन और अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज की बेस पर ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए तैयार हो उसको वो लीगल रैशनल अथॉरिटी का भी नाम देते हैं और एक स्पेसिफ़िक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम ब्योक्रेसी है उनके थ्रू भी वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को चैनलाइज करने की उनकी जो फिलॉसफी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट और रेलिवेंट है फिर मिक्स uh, वेबर के हाँ जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है वो ये है कि उनकी जो स्ट्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि माशरे के अंदर जो क्लासेस डेवलप होती हैं या डिज़ाइन होती हैं वो बेसिकली किस बेस पर होती हैं कि वो अपने स्टेटस की बेस पर क्लासेस जो हैं वो डिज़ाइंड uh, होती हैं और स्टेटस कैसे आता है जब आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है यानी महज इकट्ठे दौलत का होना काफ़ी नहीं है जब आप उस दौलत को प्रॉपरली यूज़ करते हैं यूटिलाइज़ करते हैं तो उससे जो क्लासेस डेवलप होती हैं उनमें एक स्टेटस की रिफ्लेक्शन होती है वो स्टेटस के बहुत सारे सिंबल्स हैं जो जाहिर है मिक्स वेबर ने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर डिस्कस भी किए हुए उनकी जो बुक्स हैं उनकी जो राइटिंग्स हैं उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉटेंट समझा जाता है कि उन्होंने इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू जो पहले जेर बहस नहीं आते थे उनको रिलेट किया सोशल ऑर्डर के अंडर बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को लिंक किया अपनी फ़िलासफी के साथ और फिर जब उनको वाइंड अप किया विद द डिबेट कि पॉलिटिकल ऑर्डर कैसे डिज़ाइन होता है और फिर इंसान जो हैं वो किसी की भी बात को मानते क्यों हैं वाई मैन ओबे का जो उनका कॉन्सेप्ट है ये सब मैक्स वेबर की वो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जिनकी बुनियाद पर उनको पॉलिटिकल सोशोलॉजी में एक अहम दर्जा जो है वो दिया जाता है